पाकिस्तान सरकार ने सकारात्मक कदम उठाते हुए हज यात्रा के दौरान पहली बार कुछ ट्रांसजेंडर्स को भी भेजने का निर्णय लिया है। पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ट्रांसजेंडर युवा साल 2018 में होने वाली हज यात्रा के दौरान सऊदी अरब भेजे जा रहे स्काउट्स की एक टीम का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान अपने देश से हज यात्रा पर सऊदी अरब 150 लोगों को वॉलंटियर्स के रूप में भेजेगा। उसी टीम में हर प्रांत से 2 से 3 ट्रांसजेंडर्स भी सिलेक्ट किए जाएंगे। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार आईपीसी सिंध बॉय स्काउट्स के आयुक्त आतिफ अमीन हुसैन ने कहा कि ट्रांसजेंडर युवाओं को खुद्दामुल हुज्जाज यानी सालाना हज के दौरान सेवाकर्ताओं के तौर पर सेवा देने के लिए सऊदी अरब भेजे जाने का प्रयास जारी है। हुसैन ने कहा, हर साल प्रत्येक प्रांत से 2 या 3 ट्रांसजेंडर सिलेक्ट किए जाएंगे जो हज यात्रा के दौरान जा रहे स्काउटिंग कम्युनिटी से जुड़ेंगे। हुसैन ने बताया कि फिलहाल सिंध प्रांत से 40 ट्रांसजेंडर युवा सऊदी अरब जाने के लिए शपथ ले चुके हैं। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।